दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हमारे मोबाइल फोन पे इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ डेटा ये जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।